तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं गूगल सीट। गूगल सीट में हम गूगल सीट के फंक्शंस पे डिस्कस कर रहे हैं, राइट? तो चलिए गूगल सीट के फंक्शंस के बारे में हम जानते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे गूगल की जो फंक्शन है उस पर आज। तो हमने कैटेगरी के बहुत सारे कैटेगरी फॉर्मूले हम कर दिए थे, उसमें कुछ और भी चीजें हैं, चलिए उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि गूगल क्या खुद का है, इंसर्ट पे आते हैं और यहां आपको इंसर्ट इसमें फंक्शंस। तो फंक्शंस में हमने आपके साथ डिस्कस किया था, हमने लुकअप कर लिया, हमने यहाँ पे क्या बोलते हैं डेट कर लिया, हमने इन्फो कर लिया, गूगल लुकअप कर लिया, लॉजिकल कर लिया, ऑपरेटर्स को कर लिया, राइट? राइट इसमें फॉर्मूले में कम आ रहे हैं इसमें। हाँ, हमने टेक्स्ट कर लिया, सर, राइट सर, टैक्स हो गया। तो हम सबसे पहले बात चलते हैं गूगल के खुद के फंक्शंस में, राइट? ओके तो सर, इसमें गूगल के राइट कुछ सर। फंक्शंस में हम बात करते हैं कुछ और फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट के बारे में, राइट? तो गूगल राइट सर, ट्रांसलेट, जैसे कि आपको अगर मान लीजिए कि हिंदी वगैरह में, मेरे पास एक काम आया था, उसमें क्या था कि मुझे एक स्टाम्प पेपर के ऊपर, मान लीजिए कि हमारे पास नाम है, एक डेटा मुझे मिला था, चलिए इस काम को हम एक्सेल में जो है उसी को करना चाहते हैं। मेरे पास यहाँ पे नेम था, फादर नेम था, नेम ही समझिए नेम था, और यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग था, और भी चीजें हो सकती थी। तो प्रॉब्लम क्या था कि मुझे इस नाम को हिंदी में लिखना था, मेरे पास ऐसे बहुत सारे नेम थे। एक से रोल कीजिएगा कोई फोन, हमारे पास इसमें मान लीजिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए भी ऑप्शंस है, राइट? तो अभी क्या था कि मुझे इस एक्सेल फाइल में एक फॉर्मेट तैयार करना था, उसके लिए मुझे इसके नाम को जो था वो हिंदी में रखना था। और प्रॉब्लम है कि अगर मैं एक्सेल की हिंदी टाइपिंग करूं तो मेरे पास ऐसे 1500-1600 नेम थे। हुआ क्या था कि एक कंपनी, एक सिक्योरिटी कंपनी थी, उसका काम आया था, समझे? तो हाँ सिक्योरिटी कंपनी में क्या था कि उनके जो डेटे थे, मतलब कि जितने भी एम्प्लॉय थे, उनके एम्प्लॉय से एक कोड ऑफ कंडक्ट साइन करवाना था हिंदी में। अब प्रॉब्लम क्या था सर, कि उनके पास जो 1500 स्टाफ थे, उनका स्टाम्प पेपर तैयार करना था। उन्होंने मुझे फोन किया कि सर ऐसे ऐसे स्टाम्प पेपर तैयार हो सकता है, तो मैंने बोला ठीक है कर दूंगा। तो उन्होंने बोला कि सर मुझे हिंदी में चाहिए, मुझे मुझे 100 स्टाम्प पेपर पे प्रिंट करने हैं, तो मुझे एक ऐसा सेटअप बनाइए मैं प्रिंट करूं तो स्टाम्प पेपर प्रिंट हो जाए, लेकिन उस पर जो नाम है उसकी जो मैटर्स है वो हिंदी में होने चाहिए। तो बाकी मैटर तो सेम था, बट नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और फादर नेम जो चीजें थी, वो चीजें जो थी वो मतलब कि इंग्लिश में थी, ठीक हिंदी में होनी चाहिए थी। अब मेरे पास डेटाबेस इंग्लिश में थी, तो मैं कैसे करूं? तो मैंने क्या किया, सबसे पहले हमने उस एक्सेल फाइल को गूगल ड्राइव में अपलोड किया, राइट सर? ओके सर, गूगल राइट ड्राइव सर, में, हाँ, गूगल ड्राइव में न्यू पे जाके पहले इसको अपलोड किया। फिर मैंने क्या किया, इसमें हमने गूगल ट्रांसलेट का फॉर्मूला लगाया। मैंने यहां पे एक कॉलम ऐड कर दिया, यहां पे राइट क्लिक, राइट क्लिक, इंसर्ट वन लेफ्ट, राइट सर?
तो यहां पे हमने फॉर्मा लगाया गूगल ट्रांसलेट, राइट, और उसमें हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया। अब इसमें बोला है आपका कि सोर्स लैंग्वेज कौन सा है, तो हमने बोला ईएन, इंग्लिश है, ओके। और किसमें कन्वर्ट करना है, ओके तो एच आई, ठीक है। ओके सर, ए एरर आया, ए एच एन होगा, था उसका एक अधिक कोड है कंट्री कोड है, हो जाइए ईएन हो गया हमारा इंग्लिश, ये तो पता है, कैपिटल है पे तो कर दिया, ऐसे दिक्कत तो नहीं है, ईएन से एच। ऐसा होगा, माफ हो कीजिएगा, गया। तो ईएन नाम कन्वर्ट हो गया सर, और मैंने इसको ड्रैग कर दिया। तो इसमें अब ऐसा नहीं है कि सारे नेम आपको दे देंगे सर, कुछ ऐसे नाम हो सकते हैं जो कि ये ट्रांसलेट ना कर पाए, तो 1500 में अगर 10-20 है तो उसको चेंज किया जा सकता है, ओके सर, ठीक है। अब फिर मैं इस फाइल को डाउनलोड कर लेता हूं, राइट सर। और इसको फिर देखिए यहां पे, मैं एक बार ओपन करता हूं, ओपन नहीं हुआ, देखिए डेटा ओपन हो रहा है, वैल्यू कर देंगे उसे कोई दिक्कत नहीं है, फाइल तो ओपन होनी चाहिए ना सर। गया सर, सर। ये आपका गूगल ट्रांसलेट का फॉर्मूला लगा हुआ है, दिख रहा है सर आपको ये, तो यहां पे हाँ सर, देखिए हाँ सर, इसने गूगल ने क्या किया, यहां पे उसने लिख दिया योगेश, दिख रहा है ना सर, इफ एरर लगा के हाँ लिख सर, दिया योगेश, जब ने डाउनलोड किया तो, क्योंकि जानता है कि ये गूगल ट्रांसलेट का फॉर्मूला एक्सेल में अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसने इसके नाम लिख दिए। अब इसको आप कहीं भी कॉल आसानी से कर सकते हैं, ओके सर, तो गूगल ट्रांसलेट समझ में आ गया। हाँ सर, हाँ सर, अब गूगल ट्रांसलेट के बाद अगला फॉर्मूला है इसमें, गूगल फॉर्मूले में वो है हमारा गूगल फाइनेंस। अब जैसे कि मैंने यहां पे 100 दिया, राइट, अब यहां पे गूगल फाइनेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और बताते हैं कि गूगल फाइनेंस आपका क्या करता है। तो हमने गूगल फाइनेंस फॉर्मूला जो है आपका, गूगल फाइनेंस से ये पैच करता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया GOOG, और इसके मुझे चाहिए क्या चाहिए, प्राइस चाहिए, ताकि ये फॉर्मूला तो ना खास है नहीं, लेकिन फिर भी देखते हैं प्राइसेस, और कहाँ से चाहिए, तो मैंने बोला इसमें इन्वर्टेड कॉमा में /1/2019, नहीं 20 कर देता हूं। तो इसने जो है आपका यहां पे, मैं इसका कोड जो है टिकर कोड जो होता है, इसमें मान लीजिए मैं यहां पे दे देता हूं SBI, तो ये शेयर्स के प्राइस दिखाता है सर,
वो जिस शेयर का प्राइस दिखा था उसका जो फंक्शन बनाना है तो वो हो सकता है इसका, या गूगल फाइनेंस जैसा? हाँ देखना पड़ेगा सर, कभी ऐसा तो किया नहीं तो मैं कैसे बोलूँ सर हो जाएगा, तो ट्राई करेंगे तो शायद हो जाए। अब इसके गूगल फाइनेंस के देख लीजिए, इसमें गूगल फाइनेंस में ये आपका कोड होता है, ठीक है ना, ये आपका कोड है, जैसे कि अलग अलग कंट्री का कोड है, कोड होता है। तो इसमें सर साइंटेक्स के देखिए, टिकर को है, ठीक है, द सिंबल ऑफ द सिक्योरिटी टू कंसीडर इट्स मैंडेटरी बोथ ऑफ द एक्सचेंज सिंबल टिकर फॉर द सिंबल। तो ये आप लास्ट में आपको जो है GOOG ऐड करना है, ताकि वो समझेगा कि इसको गूगल सीट से लेना है, गूगल फाइनेंस से लेना है, राइट सर। ये चीज ध्यान रखिएगा। नहीं GOOG गूगल का है वो सिंबल्स। नहीं सर आप नहीं समझे, इसमें जो है आपका ये गूगल सीट मतलब कि गूगल फाइनेंस से लेगा, GOG आप यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है ना, ये जो आपका ये हो गया आपका करेंसी कोड, हाँ समझे, ये लास्ट में आपका हाँ सेमी कोलन देके दिया हुआ है, बताया रखा ना आपने यहाँ पे, सर ये आपका आ जाएगा। इसका यूज करके आप देखिएगा, ठीक है सर, क्योंकि तो मेरा फाइनेंस से बैकग्राउंड तो है ओके नहीं, तो मैं आपको और डिटेल में बताऊं, फाइनेंस के साथ फाइनेंस ओके में सर बैकग्राउंड होता तो मैं कुछ डिटेल में जाता, ठीक है। ओके सर ओके सर शीट में गूगल फॉर्मूले में आपका एक हमारा था एक मतलब, तो दूसरा आता है डिडक्ट लैंग्वेज। डिडक्ट लैंग्वेज में जैसे कि आपका एक कौन सा लैंग्वेज है कैसे पता चलेगा, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 100, तो यहाँ पे आपका डिडक्ट वहाँ पे गूगल डायरेक्ट लैंग्वेज हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दिया इंग्लिश में, ठीक है। जैसे कोड जनरेट कर हो रहा हाँ कोड जनरेट, माना कि आपको मान लीजिए कि मुझे गूगल ट्रांसलेट के जरिए मुझे मान लीजिए कन्वर्ट करने हैं नंबर्स में, तो ये आप कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 100, और क्या गूगल ट्रांसलेट इसमें हिंदी में करेगा, गूगल ट्रांसलेट हमने इसको सेलेक्ट किया और बोला कि EN से EN में ही करना है कन्वर्ट, करेंसी कोड आपका ला के दे देगा आपका ये अलग अलग। मान लीजिए आप गूगल ट्रांसलेट जो गूगल का ट्रांसलेट ऑप्शन है उसमें आप कुछ लिख दो वहां चेंज कर लो, वहां से आपको दे देगा कि भाई आपको किस किस लैंग्वेज का कोड क्या है, लैंग्वेज कोड पाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। ओके अब जैसे यहाँ पे देख लीजिए ना, इस ये जो हमारा पूजा है तो इसको अगर मैं लिखूं डिटेक्ट लैंग्वेज, तो इसको सेलेक्ट कर लूँ तो बता देगा एच आई, ठीक हाँ सर कोड जनरेट हो जाता है। है। यहाँ पे एरे फॉर्मूला है, राइट, तो हाँ सर एरे फॉर्मूला जब मैं एरे बताऊंगा उसमें आपको समझा दूंगा। ओके सर हाँ इमेज है आपका, ये तो मैंने बताया था आपको याद होगा, सर हाँ सर हाँ सर इमेज को एक सिंगल सेल में रखने के लिए। अब यहां पे आता आपका ये है रन गूगल विजुलाइजेशन एपीआई क्यूरी लैंग्वेज, तो गूगल वेब से एपीआई क्यूरी लैंग्वेज की इसको कर सकते हैं, पर एपीआई क्यूरी लैंग्वेज हमने मुझे अभी नहीं सिखाया तो इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है ना, ओके सर इसको मैं बताऊंगा फिर बताना पड़ेगा। एक आपका स्पार्क लाइन होता है, स्पार्क लाइन समझते हैं ना, नहीं हाँ सर हाँ सर हाँ सर पता है मुझे जो नंबर्स होते हैं ना जो एक्सेल में जैसे होते हैं, ये आपको बताता हूँ आपको इस पार्ट में मिल जाएगी।
अप्लाई, और हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। ओके सर, ये कहाँ बढ़ा कैसे घटा वो पूरा देखने के लिए किया जाता है। तो गूगल ट्रांसलेट में हमारा एक आपका सॉरी गूगल में आपका सिर्फ आपका एक क्यूरी का और एक आपका एरर फॉर्मूला का फॉर्मूला में स्किप कर रहा हूँ, राइट। ओके सर, ये दोनों आपको मैं बताऊंगा आगे क्लासेस में जब एरर पाऊंगा तो, क्लियर है। ओके सर, ओके सर। अब इसमें हम एक बार देख लेते हैं वेव फॉर्मूला जो हमारा है। तो वेव फॉर्मूला में खास फॉर्मूला नहीं, एक हाइपरलिंक क्रिएट कर देता है इंपोर्ट डेटा। अब इंपोर्ट डेटा में जैसे कि अगर कोई नोटपैड की फाइल पड़ी हुई है आपकी, उसकी डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। अब वो कैसे होगा तो, या फिर हाँ मैं एक काम करता हूँ, एक नोट पैड की फाइल को यहाँ पे ये करता हूँ, मतलब कि अपलोड करता हूँ। डेटा करता हूँ, हाँ डेटा, राइट। टेक्स एडिटर, एक मिनट मैं इसका लिंक ले लेता हूँ कहाँ पे लोड हुआ है। डेटा नाम से यहाँ पे गेट सेवेबल लिंक, राइट सर। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ, इन फॉर्मूला में जाता हूँ। कौन सा फॉर्मूला था, वेब फॉर्मूला था, एक था हमारा इंपोर्ट डेटा, ये था ना सर। हाँ सर, हाँ सर। में हमने अपनी यूआरएल को इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिया, मैंने गूगल ड्राइव से कभी नहीं लिया था, लेकिन हाँ एक नोट पैड की फाइल जो थी उससे लिया था। आ जाता है ये, हमने एक बार किया था वेब से उठाया था, यूआरएल उठाया था आपका, ये इंपोर्ट डेटा फ्रॉम यूआरएल इन सीबीएसई और अच्छा सीबीएसई फॉर्मेट में। वैसे मान लीजिए ना मैं गूगल कॉन्ट्रैक्ट ही उठाता हूँ, अपना गूगल में जाता हूँ और मैं यहाँ से गूगल कॉन्टैक्ट खोलता हूँ।
मैं लिंक ढूंढता हूँ सर। सीट टू सीट लिंक हो जाएगी सर इसमें, लगभग दूसरी सीट की जो यूआरएल है ना वो हाँ लिंक ये हो देखिए, ये जाएगा। रहा ना आपका डेटा CSV फॉर्मेट है। हाँ ये रहा, जाइए तो नहीं, मैं एक बार इसके बारे में देखता हूँ फिर बताता हूँ, ठीक है सर। एक बार मैं इसका डेटा बना लेके ओके कल सर, बताता हूँ। तो बाकी चीज़ों पे आप डिस्कस कर लीजिए, कल मिलते हैं, कल हम बात करेंगे आपके साथ इस पे मैथमेटिकल फॉर्मूला पे, राइट सर। ओके सर। तो एक काम कीजिए ना सर,